नमस्कार दोस्तों, यह किस्सा है 33 साल तक हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली मीना कुमारी से जुड़ा हुआ। और यह किस्सा है भारत की राजनीति के सबसे बड़े सितारों में से एक लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ा हुआ। बात उस समय की है जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने शास्त्री जी को मुंबई में एक फिल्म की शूटिंग देखने के लिए बुलाया। मुंबई में फिल्म पाकीजा की शूटिंग चल रही थी। उस फिल्म को उस जमाने के महान फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही बना रहे थे। यह फिल्म 14 साल में बनकर तैयार हुई थी। हिंदी सिनेमा में यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हालांकि हिंदी सिनेमा में पाकीजा फिल्म भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी फिल्म की शूटिंग देखने के लिए पहुंचे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। एक तवायफ के जीवन पर बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार मीना कुमारी निभा रही थी। उस जमाने में लोग मीना कुमारी के दीवाने थे। अभिनेता, निर्माता, निर्देशक कौन नहीं था जो मीना कुमारी के साथ काम करने के बहाने तलाशते थे। जहां मीना कुमारी की शूटिंग शुरू हुआ करती थी वहां भीड़ लग जाया करती थी, वहां सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते थे। मीना कुमारी अपनी खूबसूरती के लिए और अपनी एक्टिंग के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थी। और उस जमाने में जब शास्त्री जी स्टूडियो में पहुंचे तो उन मीना कुमारी की मौजूदगी में यह घटना घटी। जब शास्त्री जी स्टूडियो में पहुंचे तो वहां पर उस समय के कई बड़े स्टार्स मौजूद थे, उनमें मीना कुमारी भी मौजूद थी। जैसे ही मीना कुमारी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को माला पहनाई, शास्त्री जी ने सहजता से पूछ लिया कि यह महिला कौन है। मीना कुमारी ने उस वक्त सपने में भी कल्पना नहीं की होगी कि कोई उनको देखकर उनके सामने ही ये पूछ ले कि ये महिला कौन है, आप कौन हो। उस वक्त वहां पर जाने वाले लेखक कुलदीप नैयर जी भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी किताब ऑन लीडर्स एंड आइकॉन्स फ्रॉम जिन्ना टू मोदी में लिखा है कि मुझे हैरानी हुई, फिर मैंने उनसे कहा कि ये मीना कुमारी है। हालांकि मुझे इस बात की उम्मीद उनसे नहीं थी कि वो सार्वजनिक तौर पर मुझसे पूछेंगे, लेकिन मैं उनके भोलेपन और ईमानदारी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। इसके बाद जब शास्त्री जी ने भाषण देने पहुंचे, शास्त्री जी की महानता थी। जब वो भाषण देने पहुंचे, उन्होंने अपने भाषण में मीना कुमारी को संबोधित करते हुए कहा था, मीना कुमारी जी मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपका नाम पहली दफा सुना है। यह उस जमाने के नेताओं की सादगी थी। यह जानना बहुत जरूरी है कि मीना कुमारी ने 7 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। मीना कुमारी ने 33 साल तक हिंदी सिनेमा पर राज किया है। 1939 से 1972 तक मीना कुमारी ने लाखों दिलों पर राज किया है। उन्होंने दिल एक मंदिर, पाकीजा, आरती, परिणीता, बैजू बावरा, दिल अपना और प्रीत प्राई, साहेब बीवी और गुलाम और काजल जैसी न जाने कितनी फिल्मों में कामयाबी के झंडे बुलंद किए हैं। यह भी जान लेना जरूरी है कि पाकीजा 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई, जिसे बहुत पसंद किया गया। यह फिल्म आज भी बहुत देखी और पसंद की जाती है। इसके 3 हफ्ते बाद मीना कुमारी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 31 मार्च 1972 को उनका निधन हो गया। मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है। उनसे जुड़े कुछ और भी किस्से हैं, उनके कुछ और किस्सों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।